मंदसौर के दलुदा में रविवार शाम को विशेष समुदाय के चार युवकों द्वारा एक नाबालिग बालिका के साथ छेड़छाड़ एवं मारपीट की गई थी। तीन आरोपियों को पकड़कर थाने लाए थे। इसके बाद दलुदा बंद का आह्वान भी हिंदू संगठनों द्वारा किया एवं हिंदू संगठन ने कल शाम को चारों आरोपियों के मकान तोड़ने को लेकर भी थाने पर धरना दिया था। इसके बाद वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा आरोपियों के मकान को चिन्हित कर आज सुबह चारों आरोपियों के मकान पर प्रशासन का बुलडोजर चला एवं चारों मकान को जमींदोज कर दिया है। कार्यवाही सुबह से ही प्रारंभ हो गई थी, जिसमें तहसीलदार एवं भारी पुलिस बल तैनात रहे। मंदसौर से डिविजनल ब्यूरो क्रांति पवार की रिपोर्ट। कल जो हादसा हुआ था, जो घटना हुई थी, इसको लेकर आज अतिरिक्त गाइड जारी की गई। कितने लोग थे, कितना फोन उठाया है, किस तरह का जो घटना हुई उसके संबंध में ग्राम पंचायत से जानकारी ली है, जिनके द्वारा वैधानिक रूप से निर्माण किया है। सीमा क्षेत्र से बाहर तक उनका अतिक्रमण हटाया गया। आज तीन लोगों का अतिक्रमण हटाया गया। कितने हटाए तीन लोगों के अतिक्रमण, तीन आरोपियों को और भी हटाएंगे सर, यही जैसे कि जिनका भी हमें जाने का और जानकारी कितने थानों का बुलाया गया, क्या हमला थाना साफ हो गया, ये थानों के बारे में जानकारी इसमें नाबालिग लड़की से छेड़छाड़ की घटना के संबंध में थाना दलुदा में अपराध पंजीबद्ध किया गया है और इसमें पांच आरोपियों के खिलाफ जो उनके द्वारा अपराध पंजीबद्ध किया गया है, जिसमें पांचों आरोपियों की गिरफ्तारी की जा चुकी है। आज उनको जो न्यायालय में पेश किया गया है। क्या धारा लगाई इसमें जो है 376, 363, 366 पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत जो है अपराध पंजीबद्ध किया गया है। जो आरोपी है उनमें कोई नाबालिग है जी? इसमें जो है दो बालिग आरोपी जो है वो नाबालिग है। क्या इसमें बच्ची जो है रास्ते में जा रही थी तो एक फोटोग्राफ की ब्लैकमेलिंग के संबंध में जो है लड़कों के साथ एक लड़कों द्वारा इस घटना के संबंध में अपराध पंजीबद्ध कराया गया। लड़की से पिटाई हुई है क्योंकि नाबालिग लड़की है, उसके द्वारा बताया गया कि उसके साथ इस तरीके की घटनाक्रम हुआ है, मारपीट का घटनाक्रम भी हुआ है, तो उस हिसाब से जो है उसमें धारा का समावेश किया गया है। कितने लोग फरार नहीं, इसमें सभी आरोपी भी गिरफ्तार हैं।